कुछ दिनों से बारिश प्रभावितों का दर्द जानने के लिए निकले एआईसीसी के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा बिट्टू ने पीड़ित परिवारों को 30,000 की आर्थिक मदद वितरित की है, जिसमें 13,000 रूपये भोरल विधानसभा क्षेत्र के जिलोक पंचायत के गांव में छज्जू राम को दी है। बता दें कि पिछले दिनों हुए तेज बारिश के कारण इस घर में दादी पोती की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। 15,000 रूपये की धनराशि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत पांडवी के गांव दरोंदा में बाल किशन को दी है, जिनका मकान बरसात में पूरी तरह से ढह गया था और अब परिवार त्रिपाल में रह रहा है। इसी गांव में एक और परिवार को 2,000 रुपए दिए गए हैं, क्योंकि इस गरीब परिवार के घर के बाहर मलबा जमा हो गया था, जिस मलबे को हटाने के लिए उन्हें ये राशि दी गई है। ग्राम पंचायत पांडवी के प्रधान कंचन देवी और जरलोक पंचायत के प्रधान नरेश ठाकुर ने प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि प्रशासन ने झरलोक पंचायत में आकस्मिक दो मौतों पर 40,000 जबकि पांडवी में 12,000 की आर्थिक मदद पहुंचाई थी। जिला अनुसूचित जाति के अध्यक्ष होशियार सिंह, राजीव गांधी, पंचायती राज के अध्यक्ष विक्रम शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव राजेश ठाकुर, हमीरपुर ब्लॉक अनुसूचित जाति के अध्यक्ष मौजीराम भोरेंस, ब्लॉक पंचायती राज अध्यक्ष राजकुमार राजू समेत अन्य ग्रामीणों ने दुख की इस घड़ी में मदद देने के लिए सुनील बिट्टू का आभार प्रकट किया है। मालूम है कि पिछले बारिश में काफ़ी नुकसान हुआ लोगों का, और जिला हमीरपुर में कुछ लोगों के घर तबाह हो गए। घर गिर जाने से कुछ घरों में मौत हो गई और कुछ घर इस तरीके से तबाह हुए हैं कि वहाँ पर अब रहना संभव नहीं है। तो हम लोगों से मिलने के लिए गए कि दुख दर्द को देखा वहाँ जा करके, तो फिर हमने मैं सबसे पहले तो अपने समाज का, कांग्रेस पार्टी के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए दिन रात एक करके सभी समाज के वर्गों से हमने चंदा इकट्ठा किया, धनराशि इकट्ठी की, और उस राशि को जो कि हमारे पास 30,000 रुपया इकट्ठा हुआ, हमने बारिश से प्रभावित लोगों तक पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ ही थोड़ा सा दुख है प्रशासन के लिए और सरकार के, लोकतंत्र में जीते हुए नुमाइंदों के लिए। बड़े दुख की बात है कि झरलोक पंचायत में, जो कि भोरंज विधानसभा में आती है, वहाँ पे जो विधायक की निधि होती है और लोकसभा के सांसद जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, उनकी जो निधि होती है उससे एक भी रुपया वहाँ नहीं दिया गया। जो प्रशासन के नियम हैं, जो कि बहुत पहले से एक नियम बनाया गया है कि अचानक मौत हो जाए तो 20,000 रुपया देना है, उसके चलते वहाँ प्रशासन ने मदद पहुँचाई। लेकिन पांडवी पंचायत जहाँ पर केवल मात्र 12,000 रुपये दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, और एक तंबू दिया गया है, और वहाँ के बाशिंदे जो हैं उस परिवार में रहने वाले तंबुओं में रात गुजार रहे हैं। मैंने उनसे भी प्रशासन से गुहार लगाई थी कि उनको अस्थायी रूप से रहने के लिए कोई कमरा दिया जाए, ताकि बारिश में वो अपने स्वास्थ्य का जो बारे में जो है देखभाल कर सकें। लेकिन आज भी वो तंबुओं में रह रहे हैं। तो हमने 15,000 रुपये पांडवी पंचायत में दिया है और 13,000 रुपये हमने झरलोक पंचायत में दिया है, और ख़ास करके मैं पांडवी पंचायत के प्रधान जो हैं और झरलोक पंचायत के प्रधान जो हैं, झरलोक के नरेश ठाकुर जी हैं और हमारी जो पांडवी पंचायत हैं उनकी प्रधान, जो कि हमारे ब्लॉक राजीव गांधी पंचायती राज के प्रधान भी हैं, और राजीव गांधी पंचायती राज जिला के अध्यक्ष हैं वो विक्रम शर्मा जी, जिला कांग्रेस के महामंत्री राजेश ठाकुर जी, मौजी राम जी, अनुसूचित जाति जिला के कांग्रेस के विभाग के अध्यक्ष होशियार सिंह जी, इन सब का मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने धनराशि एकत्रित करने में मदद की और हमने बारिश प्रभावित पीड़ितों के घर तक वो राशि पहुँचाई। मैं आज भी सरकार से और लोकसभा के सांसद अनुराग ठाकुर से और वहाँ के विधायक से विनती करता हूँ कि वो वहाँ पर जाएँ और लोगों की मदद करें। अपनी तरफ से भी मदद कर सकते हैं वो, उनकी अपनी विधायक और सांसद निधि होती है, तो इसके लिए हम वहाँ पे गए और आगे चल के भी हम मदद करेंगे।